Hello students, welcome back to our channel. Again we are here with another beautiful lesson of Standard First. The name of the lesson is Buying Things. So children, open to page number 57 of your Bal Bharati English textbook. Listen and read. Soham and Reva are going to a shop with their parents. Soham और रेवा दो बच्चे हैं और वो अपने parents के साथ shopping पर जा रहे हैं. What a big shop! Shop पर पहुँचने के बाद उन्होंने देखा बहुत बड़ी सी shop है. तो उन्होंने wonder किया, What a big shop! कितनी बड़ी shop है. Mother wanted to buy some things. Father wanted to buy some things. मम्मी को कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी और पापा को भी कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी. हाउ अबाउट यू चिल्ड्रेन? पेरेंट्स ने अपने बच्चों से पूछा, क्या तुम्हें भी कुछ ख़रीदना है? डू यू वॉन्ट टू बाय समथिंग ऑन योर ओन? क्या तुम खुद से कुछ ख़रीदना चाहते हो? हियर इज़ सम मनी. ये कुछ पैसे हैं. यू कैन यूज़ इट टू बाय एनीथिंग यू लाइक. आप लोग इस पैसे का इस्तेमाल अपनी मनचाही चीज़ ख़रीदने के लिए कर सकते हो. आप अपने ओन से शॉपिंग कर सकते हो. सोहम और रेवा के पेरेंट्स ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें भी कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं? क्या तुम खुद से कुछ चीज़ें ख़रीदना चाहते हो? फिर पेरेंट्स ने उन्हें कुछ पैसा हैंड ओवर किया. उन्हें कुछ पैसा दिया पेरेंट्स ने और कहा, इन पैसों का इस्तेमाल आप लोग अपनी मनचाही चीज़ें ख़रीदने के लिए कर सकते हो. Shall we buy chocolates? हम चॉकलेट खरीदें क्या? Shall we buy crayons? या हम crayons खरीद लें? Shall we buy a toy? क्या हम खिलौना खरीदें? Please help us, mother. मम्मी please हमारी help करें. What should we buy? हमें क्या खरीदना चाहिए? बच्चों ने अपनी मम्मी से advice ली. Well, you can buy something that will finish up quickly. मम्मी ने कहा, तुम कुछ ऐसी चीज़ खरीद सकते हो जो फौरन ही ख़त्म हो जाएगी. Like chocolates or any eatables, okay? Or you can buy something that will last long. और या तो आप बच्चे कुछ ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं जो long lasting हो, ज़्यादा time तक चले. You can buy something made by others. आप कुछ ऐसी चीज़ खरीद सकते हो जो दूसरों ने बनाई हो. Or you can buy things and make something yourself. और या तो आप कुछ ऐसा material खरीद लो कि जिसके साथ आप घर पे बैठ करके कुछ चीज़ बना सकते हो अपने own से, खुद से. That's a good idea. ये तो बड़ा अच्छा idea है. Let's buy things and make new things with them. बच्चों ने decide कर लिया. उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छा idea है. हम कुछ material खरीद लेते हैं और फिर जाकर उस material की help से हम एक नई चीज़ बनाएंगे. Soham and Reva picked up some things. Soham और Reva दोनों भाई बहनों ने कुछ चीज़ें चुनी. And they went to the counter. फिर वो लोग बिलिंग काउंटर की तरफ गए. वी वॉन्ट टू बाय दिस पेपर, ग्लू एंड कलर्स. हाउ मच इज इट? उन्होंने कैशियर से पूछा, काउंटर पर खड़े कैशियर से पूछा, हम इन चीज़ों को ख़रीदना चाहते हैं. ये पेपर, ग्लू और कलर है. कितने पैसे बनेंगे इनके? 95 rupees इन ऑल. कैशियर ने सबकी प्राइस कैलकुलेट करके बच्चों को बताया, 95 rupees हो रहे हैं टोटल सबके. हियर इज़ द मनी, 100 rupees. बच्चों ने 100 rupees का एक नोट कैशियर को हैंड ओवर किया, कैशियर को दिया. थैंक यू, आई मस्ट गिव यू 5 rupees बैक, हियर इट इज़. कैशियर ने पैसे लेने के बाद उन्हें थैंक यू कहा और कहा, 100 rupees में से मुझे आपको 5 rupees वापस देने हैं.
और कैशियर ने उन्हें 100 रुपीज़ में से चेंज के 5 रुपीज़ वापस दे दिया। दैट्स राइट, थैंक यू, बच्चों ने कैशियर को थैंक्स कहा और चल दिए। बच्चों, आप भी तो अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग पर जाते होंगे। आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम अपने हर नए वीडियो में एक स्मॉल टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। लेसन या पोएम आपको कितना समझ में आया उसे चेक करने के लिए लिंक में दिया गया टेस्ट अटेम्प्ट करें। अपना फाइनल स्कोर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हैप्पी, एंजॉय आवर वीडियोस। बाय।